Oh, I knew you would call back. You must be missing me so bad. When you left, you said that I don't deserve you, but I can see that you don't wanna lose what we had. हेलो नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग मेरे सारे फ्रेंड्स को, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सारे बहुत मज़े में होंगे। दोस्तों, आज का दिन मेरे लिए थोड़ा अलग सा दिन है। मुझे आज फिर से मिक्स फीलिंग आ रही है। मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मुझे बहुत खुश होना है या नहीं, क्योंकि ना आज मैंने हेयर कट का सोचा है। मैंने सोचा है बहुत समय से मेरे हेयर है ना अनटच्ड है, तो मैं सोच रही थी आज हेयर कट करवा लूँ। मुझे जाना है सैलून में 11:30, और 11:30 तक मुझे मेरे बहुत सारे काम ख़त्म करने हैं। सबसे पहले बिफोर एनीथिंग, अगर अभी तक सवेरे उठ ही गए हैं तो क्यों ना एक्सरसाइज कर ली जाए। रूटीन, गेट बैक टू रूटीन। माई वॉकिंग ट्रैक। आज फ्राइडे है। फ्राइडे के दिन ब्रेकफास्ट में मेथी पराठा, और सेकेंड है पालक पनीर, कॉर्न्स एंड राइस। मतलब चावल के साथ पालक पनीर डालूंगी, आधा पालक पनीर और आधा कॉर्न्स। और आज रात को हम चीज़ें खाएंगे। लोग देखिए, इमरजेंसी वाले भी रखे हैं मैंने। इमरजेंसी का मतलब है जब मुझे कुछ नहीं समझ में आएगा, किसी की चीज़ की अवेलेबिलिटी नहीं होगी, तो हम चीला बनाएंगे, यहाँ चीज़ बनाएंगे। और यहाँ पे तीसरा, एक्चुअली मुझे फ्राइड पोटैटोज लिखना था तो मैं भूल गई, तो मैंने मेथी भिगा के रख दिए। और अपने लिए जूस, आज कुछ दिनों से ना मैं जूस में मेलन्स का जूस भी पी रही हूँ, इतना सुपर टेस्टी है यार। मैं क्या almost there. हम दोनों चले गौरवर में। But it makes us feel alive, so we go with the flow. Just love me harder, have no mercy on me. For my members, nice meeting you. Thank you. Bye bye. Thanks. मम्मी अच्छी लग रही? हाँ, थोड़ी थोड़ी सी अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। घर पहुंच गई हूँ, अब पहले लंच बनाऊंगी, उसके बाद जो फोटो क्लिक की है वो आपको दिखाऊंगी। एंड गुड इवनिंग प्यारे दोस्तों, वेलकम टू द टी टाइम। टी टाइम। आज गौरव ने मेरे लिए, जब मैंने ऐसे कहा था कि मुझे छोटी सी पेंटिंग बना के दे, राघव को तो टाइम है नहीं पर गौरव बनाने की पूरी कोशिश करता है, तो मैंने बोला था छोटी सी, मेरे को छोटी छोटी क्यूबिक पेंटिंग्स चाहिए। तो क्यों चाहिए और गौरव ने क्या बनाया है अभी दिखाती हूँ। ये जो दो छोटी छोटी पेंटिंग्स है ना, ये स्टिकी नोट्स आते हैं ना, स्टिकी नोट्स पे गौरव ने मेरे लिए ड्रॉ की, किचन की वॉल पे लगाए हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो फिल्मिंग रैप होती है ना, फूड रैप, ये फूड रैप हमने स्टिक किया हुआ है। तो अब जब ये चार, ये देखो चार क्यूब्स है ना, ये चार क्यूब्स अगर फिल हो जाएंगे ना, तो मैं इनको एक आउटलाइन बना दूंगी, जैसे ये आप हमको दिखे नहीं है ना। आप मुझे कब तक बना के दोगे ऐसा? अभी और एक हफ्ता लगेगा। एक हफ्ता लगेगा, दौड़ने जाए वो बहुत मेहनत लगती है। एक्चुअली एक बार क्या हुआ था, मस्क मेलन मैंने काटी थी,
तो हाफ बच गई मस मेलन, तो मुझे हाफ फ्रिज में रखनी पड़ी, तो उसको मैंने फूड रैप से रैप कर दिया। फिर नेक्स्ट दिन भी जब मैंने फूड रैप निकाला तो मेरी आदत है हमेशा मैं प्लास्टिक्स को वॉश करके सुखाती हूँ और फिर ड्राइवेज में डालती हूँ, तो ऐसे करके मैंने इसको सुखाने रख दिया। जैसे फूड रैप को सुखाने रख दिया तो मैंने देखा ये तो एकदम अच्छे से रुकी है और फटी भी नहीं है, एकदम प्रॉपर कवर कर रही है। तो मुझे ऐसे दिमाग में आया कि मैं गौरव को बोलूँ कि मेरे लिए एक ऐसी छोटी पेंटिंग्स बना जिसको मैं फूड रैप के पीछे स्टिक कर दूँ, और अच्छा भी लग रहा है। इस छोटे छोटे आर्टवर्क के बाद हम एक और चीज़ का DIY बनाने वाले हैं। ये एक थर्माकोल प्लेट है जो मुझे डिनर सेट के साथ मिली थी। अब मैं गौरव के साथ इसका कुछ ना कुछ तो तिकड़म कर ही लूँगी। टी टाइम के बाद अभी भी बहुत सारी धूप आ रही है और इसके लिए गौरव खेलने नहीं गए, वरना शाम हो जाती तो ये फुर्र हो जाती। तो इसलिए हम दोनों ने सोचा है कि हम कुछ आर्टिस्टिक बनाते हैं। तो आज गौरव की मदद से हम दोनों एक DIY बनाने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। इट इज़ नथिंग बट समथिंग बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। जो भी क्लटर हमारे घर में पड़ा है, अगर उसको थोड़ा सा आर्टिस्टिकली हम यूज़ करते हैं तो इट टर्न्स आउट वेरी वेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हूँ वाइप करने के लिए। ये हाथ पे लगता है तो आप पानी से नहीं धो सकते इसको, इसके लिए कोशिश करना कि आपको हाथ पे ना लगे। इस थर्माकोल के टुकड़े को हम ऑयल पेंट लगा रहे हैं। एकाएक इसके लिए नहीं, क्योंकि ये मुझे बाहर की गैलरी में रखना है, इसलिए इसमें से जो भी DIY बनेगा वो यूटिलिटी का नहीं होगा पर सजावट के लिए होगा। तो मुझे बाहर की तरफ रखना है और मुझे वाटरप्रूफ भी चाहिए। इसके लिए ऑयल पेंट से बेटर ऑप्शन कुछ भी नहीं, एक्रिलिक कलर से बहुत ज़्यादा बेटर है ऑयल पेंट। गौरव के साथ बैठकर छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करना और करवाना बहुत ज़्यादा पसंद है, और जब भी मैं कुछ ऐसा क्रिएटिव करती हूँ ना तब गौरव मेरे से ज़्यादा खुश होता है और मुझे भी एक अलग लेवल की सेटिस्फेक्शन मिलती है कि हाँ चलो कुछ तो न्यूरॉन्स निकाले अपने दिमाग से। इस डब्बे को पेंट करके 24 आवर्स तक मैं सुखाने रखूंगी और बाकी का काम अगले दिन होगा। ये एक दिन पहले की शाम है जहां मैं अपने प्लांट्स में घर का बना हुआ फर्टिलाइजर डाल रही हूं। फर्टिलाइजर क्यों एक खाद की तरह काम करता है, और जब आपके पास कोई और फर्टिलाइजर अवेलेबल नहीं हो तो आप घर बैठे कैसे बना सकते हैं, आइए मैंने क्या डाला मैं आपको बताती हूँ। जैसे हम सभी जानते हैं कि कंपोस्ट किचन वेस्ट से ही बनता है, और किचन वेस्ट जो पानी है या पाउडर फॉर्म में हो प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। इसलिए आज मैंने जितनी भी किचन वेस्ट थी वो सब एक पॉट में पानी डाल के रख दी थी। नॉर्मली हम इसे कंपोस्ट भी बना सकते हैं पर मुझे इतनी प्रैक्टिस नहीं, इसके लिए मैंने यही तरीका यूज़ किया। इसे पानी में डालकर 2-3 घंटे तक रखा और फिर छान लिया। अब ये कचरा मैं फेंक दूँगी और ये जो पानी है ये एक फर्टिलाइज़र का काम करेगा। पर ये भी डायरेक्टली हमको प्लांट्स में नहीं डालना होता है, क्योंकि इसमें कभी सिट्रिक एसिड ज़्यादा है, कभी पोटेशियम ज़्यादा है, सल्फर ज़्यादा है, तो वो एक्सट्रीम चीज़ भी प्लांट्स के लिए अच्छी नहीं होती है। इसमें कुछ पानी और ऐड कर देना है, ऑलमोस्ट 50% और पानी ऐड करना है और अपने प्लांट्स में डालना है। इस होममेड फर्टिलाइज़र का इफ़ेक्ट बहुत अच्छा आया है, मैंने आज़माया है इसे। प्लांट्स ग्रीन हो जाते हैं, लीव्स भी जानदार हो जाते हैं। मम्मी क्यों चला रहा है? देखो क्या हुआ? ओ माय गुडनेस, मेरा फोटो में दिखाते हैं अक्सर हम फोटोज में देखते हैं ना गौरव। ओह माय गॉड, आधा सन हो गया, सन एकदम आधा हो गया है, फुल आधा, मतलब टूटा नहीं है। अब इस मस्ती भरी शाम में हम चले बाहर टहलने गौरव के साथ,
और दोस्तों ख़त्म करती हूँ मैं अपना ब्लॉग यहीं। आई होप आपको मेरी ब्लॉग पसंद आई होगी, अगर हाँ तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मेरी फोटो देख के मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी हेयर ट्रांसफॉर्मेशन या न्यू हेयर कट आपको कैसी लगी। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय राम जी की। Just love me harder, have no mercy on me.